जैसे हमारे पास ऐसे बच्चे लिखा हुआ है, जैसे माइनस वन इज लेस देन जीरो एंड फोर इज लेस देन फाइव, ये फर्स्ट दे रखा है, ये सेकंड दे रखा है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वन और टू को, तो माइनस वन इंटू फोर ये क्या हो जाएगा, इज लेस देन जीरो इंटू फाइव। तो ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया, माइनस फोर इज लेस देन जीरो, तो ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर तुमको ऐसे लिखा है माइनस वन इज लेस देन, मान लो लिखा है थ्री, ठीक है, और यहाँ पे देख लो ऐसे लिखा है माइनस वन लेस देन थ्री, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और यह मान लो कि टू माइनस टू ले लो इज लेस देन माइनस फोर ले लो, ठीक है, ये सेकंड ले लिया। अब तुम देखो वन इंटू टू कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वन इंटू माइनस टू इज लेस देन थ्री इंटू माइनस फोर, तो क्या मिलेगा, टू इज लेस देन माइनस ट्वेल्व। ये फॉल्स मिल गया ना, यहाँ पे हमें मिल गया ना फॉल्स। क्यों हमें मिल गया फॉल्स, बिकॉज ये जो भी नंबर्स थे ना ये सारे निगेटिव नहीं थे, ये सॉरी सारे पॉजिटिव नहीं थे। मैंने क्या बोला है कि दो इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई तुम तभी करोगे जब सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या बोला जा रहा है कि अब आ जाओ आई पॉइंट पे, इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर ऑल निगेटिव देन वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई द इनइक्वालिटी फर्स्ट बाई मेकिंग ऑल पॉजिटिव, ठीक है, और जब पहले हम लोग क्या करें सारे को पॉजिटिव बना ले फिर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमें पता है कि मान लो कि ऐसे गिवेन है ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर ऑल नेगेटिव, यहाँ पे क्या बोला है ए बी सी डी सारे नेगेटिव है, तो अब मैंने क्या किया दोनों को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों इनइक्वालिटी को, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब दो, अब देखो ए पॉजिटिव है तो माइनस ये जो लिखा है ना, सॉरी ए नेगेटिव है तो ये माइनस ए जो लिखा है ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये माइनस बी जो लिखा है ये भी पॉजिटिव है, ये माइनस सी भी पॉजिटिव है, माइनस डी भी पॉजिटिव है। अब ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हो गए तब अब इनइक्वालिटी को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब यहाँ से क्या होगा माइनस ए इंटू माइनस सी कर दो इज लेस देन, यहाँ माइनस बी इंटू माइनस डी कर दो तो क्या हो जाएगा ए सी इज लेस देन बी डी, ये ट्रू हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है तब तो तुम इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, सारे पॉजिटिव है तब मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर सारे निगेटिव है तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लो फिर मल्टीप्लाई कर दो फिर वैलिड हो जाएगा, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन तो हम कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है। और ये बोला जा रहा है इफ सम ऑफ ए बी सी डी आर निगेटिव, इसमें से कुछ अगर निगेटिव हो देन वी कैन नॉट मल्टीप्लाई द इनइक्वालिटी इन ए बी सी डी, कुछ निगेटिव हो कुछ पॉजिटिव हो तब तो हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते इनइक्वालिटी को, हाँ सारे पॉजिटिव है मल्टीप्लाई कर दो, सारे निगेटिव है तो पहले को सारे को पॉजिटिव बना के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और एडिशन भी कर सकते हैं, दो इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हैं जब उस इनइक्वालिटी का साइन सेम हो, अगर ग्रेटर ग्रेटर में दो इनइक्वालिटी हो ऐड कर दो, स्मॉलर स्मॉलर में दो इनइक्वालिटी ऐड कर दो, एक इनइक्वालिटी ग्रेटर में हो एक स्मॉलर में हो तो ऐड नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन हम कभी नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे चाहे कि सारे नंबर्स पॉजिटिव हो चाहे सारे निगेटिव हो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कब करेंगे, ए बी सी डी अगर पॉजिटिव हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर ए बी सी डी अगर सारे निगेटिव हैं तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लो फिर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। काफ़ी तुम लोगों को समझा दिया, अभी भी अगर कोई डाउट है मुझे पता है कि थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, बट अगर तुम एक दो बार नोट्स को ध्यान से सुनो ध्यान से देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से नहीं कन्फ्यूज़न होना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया, अभी भी कन्फ्यूज़न है तो तुम पूछ लेना, ठीक है। और एक बात और याद रखो कि देखो चीज़ें जो है ना 11th क्लास में बिल्कुल से वास्ट हो जाएगा, तो हमें अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें अगर हमें टफ लगे ना
तो उससे डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है अरे टफ होगा कैसे होगा मेरे से कैसे मैं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना है। स्टार्टिंग में तुम कुछ भी पढ़ोगे ना तो स्टार्टिंग का वो टफ होता है, बट तुम अगर उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार पढ़ते रहोगे, तो वो बिल्कुल तुम्हारे लिए ए बी सी डी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम तुम कुछ भी काम करो, अपने लाइफ में सोचो, जब फर्स्ट टाइम तुम साइकिल पे बैठते थे तो तुम्हारे ध्यान में ये आता होगा कि साइकिल पे बैठेंगे तो बैलेंस कैसे बनेगा। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि बैठेंगे बैलेंस कैसे बनेगा, वो सोचते हैं कि किसी साइड हम पलट जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन अब देख लो शुरू में गिरते भी हैं, फिर बाद में जब वो चलाने लगते हैं, साइकिल चलाना छोड़ दोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, फिर वो साइकिल चलाने लगते हैं, फिर देखो बाद में दोनों हाथ छोड़ के भी चलाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं उस पर, मास्टर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग में हर काम टफ लगता है, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तुम्हें लग रहा है कि अरे इतना कुछ सीखना है, इतना प्लस माइनस सीखना है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये तुम्हारे लिए जो अभी तुम जिसको मैं काफ़ी इम्फेसिस दे के काफ़ी स्ट्रेस दे दे के समझा रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए जब तुम इसको क्वेश्चन में यूज़ करोगे ना बच्चे, जब तुम इसको में क्वेश्चन आएगा, जब तुम देखोगे तुम्हारे पास कोई इनइक्वालिटी आ गया तो तुमने कोई माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, तो तुम्हारे बिल्कुल ए बी सी डी हो जाएगा वहां पे, तुम मतलब बिल्कुल एज ए इसको एलिमेंट्री स्टेप जैसे यूज करोगे। अभी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टफ लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे मतलब होने के चांस है, बट तब भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ओके।